यहाँ से 5 रुपये दिए हैं। देखिए क्या नाम है इसका, नरेंद्र संग्रहालय, ठीक है। पाँच बजे तक खुलेगा ये, 5 बजे बाद बंद कर देगा। अभी हम चल रहे हैं वापस, क्योंकि म्यूजियम के अंदर मोबाइल यूज करना पूरा तरह बैन था। आप उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता सकता हूँ कि उसमें किस तरह का जो रखा गया है। वो बिहार में जहाँ जहाँ भी खुदाई हुई है ना, और स्पेशली नालंदा यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर जितने मूर्तियाँ निकली है वो वहाँ पर रखा गया है। और उसमें और बहुत सारा मूर्तियाँ है जो वहाँ पे जगह नहीं है, जगह कमी की वजह से वहाँ पे नहीं रखा गया है। लेकिन वो लोग, हम जब बात किए वो लोग बता रहा है कि अभी लगभग 30 से 35 हज़ार सामान अलग अभी रखा गया है। तो जब म्यूजियम बड़ा होगा या और बनेगा तो वहाँ पे मेरा प्लान है कि हो सकता है कि बोध गया भी जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो बताएंगे। लेकिन अभी तो जा रहे हैं जहाँ पे बस मिलती है, क्योंकि मेरा काम हो गया है। अब तो चल रहे हैं वापस, मेरा यात्रा कंप्लीट हो गया 2:45 पर। अब फिर हम प्लान कर रहे हैं कहीं जाने के लिए बोधगया। अगर वहाँ जाते हैं तो फिर आपको हम कुछ दिखाएंगे, नहीं तो घर जाएंगे। देखिए पैर बहुत दर्द कर रहा भाई, क्योंकि लगातार 9 दिन से जो यात्रा था ना, ओह न्याज लेकिन हट गया भाई, लेकिन मज़ा आ गया। और देखिए इस तरह का चीज़ें बहुत कम लोग करता है, क्योंकि ये सब करने के लिए हिम्मत ही है भाई। और उसके अलावा पैदल चलना, और सुबह में फिर जल्दी जगना, और जब हम रात रुकते थे ना फिर एडिट करना, और चार्जिंग नहीं है क्योंकि होटल में हम थोड़े कहीं रुके थे, तो कहीं से अरेंज करके मोबाइल चार्ज करो, एडिट करो, सारा काम करते करते अब इसी तरह निकला है अभी का 9 दिन। फिर आगे देख कैसे निकलता है। चलो भाई, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए बाय बाय, हाय। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ बोधगया। एक मेरा दोस्त है जो रहता है बोधगया में, उससे बात हो गई है, और हम उसे बोले कि ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि उधर भी आएँ, क्योंकि यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ आना चाहिए। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, आइए। तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और मेरे मन में ये नहीं था कि हम वापस उधर जाएंगे बोधगया। जब घर से निकले थे तो मेरा ये प्लान था कि हम जाएंगे, अपना टूर कंप्लीट करेंगे रक्सौल टू नालंदा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद वापस आ जाएंगे घर। लेकिन चलिए, अगर ट्रेवल में और आगे बढ़ता है तो और खुशी की बात है। और अभी जस्ट सामने देख रहे हैं, सामने इधर एक ATM है, वहाँ से पैसा निकाले हैं।
1000 रुपया, वैसे भी तो हमारे खाते में पैसा अब नहीं है और मैंने बहुत कम है, तो वो 250 रुपया होगा। एक दोस्त पर कॉल किए तो हमको हेल्प किया, तो हम ये सब काम कर रहे हैं और बोध गया जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो पैसा नहीं देता तो शायद हम नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं जाने के लिए आपको एक छोटी सी अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ बस का, अभी टाइम हो गया 6:05 और बोला गया है कि 6:10 से लेकर 6:15 तक के आसपास आती है बस, तो 5 मिनट हो गया और 10 मिनट तक और हमको वेट करना है। और जो अभी हम यहाँ पर आए थे ना इस चौक पर, इसका नाम है नालंदा मोड़, जब हम यहाँ पर जब आए थे तो उसी टाइम एक बस निकली थी। जब बस गई थी तो हम मुझे थोड़े पता था कि ये बस कहाँ जाएगी, कि बाद में एक दोस्त पूछे अगल बगल, बोले कि वही बस था, तो बोले चलो कोई बात है, छूट गया। तो फिर आधा घंटे बाद वो बस आ रही है, तो टाइम मैंने हो गया लगभग 15 मिनट बाद आएगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको टूर कराता हूँ बोध गया का। बोध गया बिहार के सबसे अच्छी जगह में से आता है, वो एक होली प्लेस में आता है और जितना बुद्धिज्म है उसको बोध गया के बारे में 100% मालूम है, कोई भी बुद्धिज्म के बारे में आप पता कर लीजिए, चाहे वो इंडिया में रहे या विदेश से किसी भी देश में रहे, बोध गया इतना मैंने पॉपुलर जगह है कि शायद कोई होगा इंडिया में। मैंने अब हम एक बात कंपेयर नहीं कर रहे हैं अयोध्या या और क्या नाम है बनारस, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में सबसे अच्छा जगह है बोध गया, वो होली प्लेस है, विदेश के लोग वहाँ बहुत सारा आते हैं, बहुत सारा आप देखोगे ना तो लगता है कि हम विदेश आ गए हैं। और सब 90% लोग आता है बुद्धिज्म में। तो देखिए बैकग्राउंड में अभी कुछ नहीं आ रही है, सिर्फ ट्रक आ रही है, ट्रैक्टर आ रही है। और ठीक है तो भाई फिर मिलते हैं आप दोबारा, अब बोध गया देखते क्या होती है। ठीक है भाई, गया मार्केट है ये। और अभी हम जा रहे हैं बोध गया के लिए ऑटो लेने के लिए, आगे सामने से लेफ्ट होकर मिलेगा। और टाइम हो गया है लगभग 9 बज गया है। क्या दोस्त क्या हाल है? तो यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे, लगभग 2 मिनट लगे टाइम वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ से ऑटो मिलती है। मोबाइल भाई बचा के रखना होता है इधर।